द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। हेडलाइन दे इस बुलेटिन नाल मैं जगजीवन मीत। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान लीडर ने सिंगू बार्डर तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान लीडर ने कहा NIA किसान अंदोलन संबंधित लोगों को नोटिस भेजने के नाल नाल कर रही है देश द्रोह के केस दर्ज। NIA की कार्रवाई की किसान संगठनों ने की निखेधी। किसान लीडर ने 26 जनवरी की परेड लिए तैयार की रणनीति। 26 तरीक नूं पहलां तो तैयार किए गए प्रोग्राम के अनुसार दिल्ली के अंदर की जाएगी किसान गणतंत्र परेड। दिल्ली और हरियाणा के पुलिस प्रशासन तो इस प्रोग्राम विच कोई विघन ना पाउण दी कीती उम्मीद। परेड विच किसी भी किस्म के हथियार हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा तो वरज्या। कल पूरे देश विच मनाया जा रहा है महिला किसान दिवस। 20 जनवरी नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े मौके पूरे देश विच 11 बजे तो लैके 1 बजे तक देश सेवा बर मोहे यह शब्द गा के की जाएगी अरदास। खेती कानूनों ते किसान प्रदर्शन बारे सुप्रीम कोर्ट अज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट कमेटी मैंबर वालों अस्तीफा देने दे बाद नवे मैंबर की की जा सकती है नियुक्ति। NIA ने खालसा एड इंडिया के निदेशक अमरप्रीत सिंह समेत होरना नूं भेजा नोटिस। कौमी जांच एजेंसी ने किसान संघर्ष नाल जुड़े कई व्यक्तियों नूं समन भेजे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कौमी जांच एजेंसी और ED वालों नोटिस भेजने की कीती निखेधी। भाजपा लीडर सुरजीत सिंह बयानी ने कहा NIA विच अपने बच्चे जिसनों नोटिस आया है वह जाके दे सकता है जवाब। खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियों ने किया कौमी जांच एजेंसी वालों भेजे समणा का विरोध। जांच में शामिल होने तो किया इनकार। कुछ सिख जथेबंदियों संबंधित सिख कारकुन NIA को जांच में शामिल होने लई दिल्ली जाएंगे। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला लखा सिधाणा भाना सिद्धू गायक आरनीत ने दिल्ली के सिंगू बार्डर तो की सूबे के नौजवानों को अपील। कहा दिल्ली च पंजाब के संघर्ष हर हाल च होण शामिल। केंद्र सरकार के हर तरह के हथखंडे तो खबरदार रहने लई भी कहा। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ने समन भेजने की कीती सख्त निखेधी। कहा NIA दे नोटसां तो सरकार दी झलक रही है घबराहट। किसी भी दबाव अगे नहीं झुकणगे किसान। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी का फेसबुक से जाली अकाउंट बनाया। ऑनलाइन लुटेरियां ने पैसे मंगने किए शुरू। फेसबुक से पाई पोस्ट तो लोगों किसानों की मदद करने कहा। दिल्ली में हुई किसानों नाल कई पार्टियां के लीडरों की बैठक। किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी नाल कीती सियासी लीडर ने मीटिंग। किसान अंदोलन लैके मीटिंग विच कीती गई विचार चर्चा। खेती कानूनों रद्द करने तो इलावा किसान दसन होर की चाहते हैं बदला। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिता बयान। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान राकेश टिकैत ने जताया खदशा। कहा लगता है लंबा चलेगा संघर्ष कानून वापसी तक नहीं मुड़नगे किसान। महाराष्ट्र तो लोग संघर्ष मोर्चे दी महिला किसान अंदोलन की हमायत करन पुजियां दिल्ली। उड़ीसा के नवनी रवन संघर्ष मोर्चे के किसान दिल्ली जाते हुए पुजे झारखंड। कुंडली बार्डर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने प्रधानमंत्री अते कौमांतरी मुद्रा कोष फंड की चेयरपर्सन की फूकी अर्थी। पंजाब के सूबा जनरल सकत्र सरवण सिंह भंधेर ने कहा 26 जनवरी की परेड में शामिल होने लई तरन तारण अते पूरे पंजाब तैयारी पूरे जोरां ते। 18 जनवरी नूं महिला किसान दिवस लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज इस्त्रियां नूं होवेगी समर्पित। सवेर तो शाम तक इस्त्रियां ही करनगियां स्टेज का संचालन। साबका फौजियां ने लाए दिल्ली के बार्डर के डेरे। जिते मैडल छातियों उपर सजा के किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान के लाए नारे। किसान अंदोलन की हमायत में हरियाणा के पूरे पिंड ने किया एका। उचाना के छात्र पिंड ने किसानी अंदोलन में मदद करन दा कीता फैसला। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लैन वाले किसानों को भेजणगे सहायता। पहले गेड़ 20 लाख रुपए किए जाएंगे इकट्ठे। चंडीगढ़ के सैक्टर 17 में इकट्ठा हुए पंजाब भर के बुद्धिजीवी। हत्थां च अंदोलनकारी किसानों का उत्साह बढ़ाने लई लिखे बैनर। मनुखी कड़ी बना के किया केंद्र के काले खेती कानूनों का विरोध।
किसानों वालों कैथल कोरोना टीकाकरण मुहिम का विरोध। केंद्रीय खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानी संघर्ष का असर पिया कोविड टीकाकरण मुहिम की शुरुआत से। किसानों के विरोध के कारण सेहत मुलाजमान टीकाकरण किए बिना ही मुड़ना पिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं अगले पड़ाव लवावगा कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस टीकाकरण मुहिम की की शुरुआत। भारत सरकार हदायतों के अनुसार पहले पड़ाव केवल सेहत कर्मचारियों को लगाया जाएगा टीका। गुजरात नाल जोड़िया 8 रेलगड्डियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे के किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप लई 1,000 करोड़ रुपए का फंड किया ऐलान। उद्यमियों को नवे मौके मुहैया करवाने लिया फैसला। देश में 41,000 तो ज़्यादा स्टार्टअप कर रहे ने काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने लिए मिलिया सद्दा। कोरोना वाल खेत्र 11 से 13 जून को होगा सम्मेलन। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिता सद्दा। कोविड-19 वैक्सीन लवाण मगरों कई लोगों की हालत बिगड़ी। एक सेहत मुलाजम एम्स के ICU दाखिल। डॉक्टर मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने दे कुछ समय मगरों ही बिगड़ी हालत। BSNL एयरटेल जियो ने साल भर का रिचार्ज इको बारी करन ते गाहकां नूं फायदा देण दा कीता ऐलान। इस प्लान नाल गाहकां नूं रोजाना मिलेगा 3GB डाटा मुफ्त, कॉलिंग ते नाल 100 SMS मिलणगे फ्री। अफगानिस्तान सुप्रीम कोर्ट दीआं 2 औरत जजां की गोली मार के हत्या। बंदूकधारियों ने किया हमला। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान तो सेना हटाने के दौरान वापरी घटना। पेंटागन ने जो बाइडन के 100 चुक समागम लिए दी नैशनल गार्ड मैंबर मंजूरी। सुरक्षा लिए किए जा रहे ने पुख्ता इंतजाम। पिछले हफ्ते US कैपिटल में हुई जानलेवा बगावत तो बाद इस समागम लिए भी बन गया सी खतरा। कश्मीर मूल की समीरा फाजली नू जो बाइडन की आर्थिक टीम मिली महत्वपूर्ण थान। समीरा बराक सबका राष्ट्रपति बराक ओबामा नाल भी कर चुकी है कम। चीन च आइसक्रीम विच कोरोना वायरस मिलने तो बाद कंपनी की गई सील। सारे डब्बे मंगवाए गए वापस। हेडलाइंस देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।